जय महाराष्ट्र मी रुजुता लुकतुके राजमंत्र या तुमच्या विशेष आवडत्या कार्यक्रमात तुमचं खूप खूप स्वागत तीन आठवड्यानंतर आज आपण बोलतो आहे याचं कारण आपले पंडितजी राजकुमार शर्मा यांच्या आईंना मध्यंतरी देवाज्ञा झाली होती आणि त्यामुळे ते आपल्या मूळ गावी पंजाबला गेले होते तीन आठवड्यानंतर आपण पुन्हा भेटतो आहे पंडित राजकुमार शर्मा आता आपल्याबरोबर जॉईन झाल्यात पंडितजी बहुत बहुत स्वागत आहे आपका इस प्रोग्राम में और बहुत सारी चीज़ें हैं तीन हफ्ते के हफ्तों के बाद जैसा मैंने कहा हमारे प्रेक्षकों को हम मिल रहे हैं आपसे तो आप से यही प्रार्थना है कि आपकी जो माता जी है उनको सदगति मिले और दे, दूसरी, दे, दूसरी दूसरी बात जो है कि बहुत सारे विषय है जिसके ऊपर हमें आपसे इस हफ्ते में बात करनी है जी बिल्कुल डेफिनेटली सबसे पहले तो जिस तरह का वातावरण राजनीति में चल रहा है वो आप देख ही रहे हैं कि राजनीति का स्तर किस तरह से गिर रहा है और जैसे हम बात कर रहे थे बाहर रवि की शनि की का बहुत बड़ा शनि जो है वो बदल चुका है ये शनि का जो स्थानांतर है उसका भी बहुत बड़ा इफेक्ट जो है हर स्थान पर हर क्षेत्र के ऊपर पड़ने वाला है जी और उसी के बारे में पंडित जी विस्तार से बात करेंगे क्योंकि आप तीन हफ्ते नहीं थे तो नहीं तो पहले ही ये विषय हम ले चुके होते कि शनि ने जो धनु राशि में प्रवेश किया है काफी बड़ी ये घटना है जो अध्यात्म जानते हैं उनके लिए तो सबसे पहले तो इस घटना का अर्थ आपसे समझ आपसे समझना है और उसके बाद क्योंकि बारह हमारी जो राशि है उसके ऊपर इसका क्या असर हमें आने वाले समय में दिखेगा देखिए मोटा मोटी क्योंकि हम लोग जनरली राशियां जो हैं इस कार्यक्रम में नहीं पढ़ते हैं मगर है। उसके बावजूद भी आपको उसके उसकी जानकारी देनी जरूरी है क्योंकि बहुत से चैनलों के माध्यम से शनि के बारे में डराया जाता है कि शनि ये कर देते हैं शनि वो कर देते हैं शनि ये हो जाता है शनि एक न्यायाधीश है मित्रों शनि जो है जिस वक्त आपने कोई कार्य किया हुआ है उसका फल और उसका आपके पाप का फल जो है वो शनि देता है शनि दंडाधिकारी है नीलांजनम समाभाम रविपुत्र जमाग्रजम छाया मारतंड तम नमामी शनि शनिदेव जो है वो सूर्य के पुत्र हैं और कहीं ना कहीं देखेंगे तो यम के भाई हैं यमी के भाई हैं और उनका वृश्चिक राशि से धनु राशि में प्रवेश जो है वो किस तरह के वातावरण लाता है देखिए मेष राशि से शुरू करेंगे मेष राशि मंगल की राशि या शनि मंगल की राशि वृश्चिक राशि में था आपके नए कार्य होंगे जीवन में कुछ नए समाचार मिलेंगे व्यापार में वृद्धि के योग बनते हैं और कहीं ना कहीं रुके हुए कोर्ट कचहरी के मामलों में आपको सफलता मिलेगी पत्नी की सेहत का ध्यान रखें मैं तो वैसे मैं आपको बीच में टोक कर बता दूं मेरी मेष राशि है तो आपने शो की शुरुआत बहुत बढ़िया की है, की बात करते है की, मित्र शुक्र की राशि है तो वृषभ राशि वाले जो फिल्मों के साथ जुड़े हैं मीडिया के साथ जुड़े हैं कहीं ना कहीं डायमंड मर्चेंट हैं उनके लिए बहुत ही लाभकारी है मगर शुक्र की अपनी राशि है मित्रों डिप्रेशन से दूर रहें आलोम विलोम का और प्राणायाम का सहारा जरूर लें स्वास्थ्य का ध्यान रखें कुल मिलाकर ठीक ठाक है आपके लिए और अब मिथुन राशि की बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए उत्तम समय है स्त्रियों के लिए नया कार्य शुरू कर सकती हैं जो बच्चियां आईएएस आईपीएस ऑफिसर बनना चाहती हैं उनको बहुत ही सुंदर समय है या वो महाराष्ट्र बोर्ड के एग्जाम दे रही हैं महाराष्ट्र में जो नौकरी ढूंढ रही हैं उनको नौकरी मिल सकती है एक मूंगा धारण करें मिथुन राशि वाले बच्चे उनको फायदा होगा अब बात करते हैं कर्क राशि की चंद्रमा की अपनी राशि है आपके दसवें घर में आ, 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 आपके अष्टम अश्ट, भाव में बैठे हुए शनि जो है आपको विचलित करते हैं इसलिए कोशिश करें कि कोई भी निर्णय आंखें बंद करके सोच समझकर हनुमान भगवान का नाम लेकर करें भगवान हनुमान शनि को प्रसन्न करते हैं और आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है व्यापार में कुछ गड़बड़ रहेगी कुल मिलाकर सोच समझ कर सावधानी से चलने में ही अच्छा है सिंह राशि वालों के लिए अच्छा समय है क्योंकि आपकी साड़े सती भी खत्म हो चुकी है उद्धव ठाकरे की सिंह राशि है और आपकी साड़े सती खत्म हो सक हो गई है राजनीति में आपको लाभ मिलेगा व्यापार में लाभ मिलेगा धन लाभ मिलेगा कन्या राशि जो लोग शिक्षा के क्षेत्र के साथ जुड़े हैं बहुत ही सुंदर समय है उनके लिए क्योंकि बुद्ध आपकी राशि के स्वामी हैं और शनि उनके मित्र हैं जो बच्चे पढ़ने में वीक थे वो गाय को हरा चारा खिलाएं बहुत ही सुंदर रहेगा कुल मिलाकर कन्या राशि वाले शेयर मार्केट में बहुत अच्छा धन कमाएंगे तुला राशि तुला राशि के ऊपर छब्बीस तारीख को साढ़े सती खत्म हो चुकी है इसलिए मित्रों जो आपके ऊपर भी प्रकोप था वो भी खत्म हो गया है आपको विदेशी यात्रा विदेश में धन लाभ के योग विदेश में व्यापार के योग बनते हुए दिखाई देते हैं वृश्चिक राशि जिससे शनि धनु में गया है ये ध्यान रखें वृश्चिक राशि जो है वो नरेंद्र मोदी की की जी की है और भारतीय जनता पार्टी की भी है कहीं ना कहीं अपने इसीलिए क्योंकि इतना बड़ा डिमोनेटाइजेशन का जो पहाड़ था उनके सिर से उतर गया और किसी तरह का बहुत बड़ा आंदोलन नहीं हुआ जो हुआ भी उसको बहुत ज़्यादा मायने नहीं दिया जा सकता एनी वे विल टॉक अबाउट दैट वृश्चिक राशि वालों के लिए भी समय जो है वो उत्तम आया हुआ है मगर कोशिश करें कि अपनी बोन्स का ध्यान रखें बोन्स के लिए आपको समझ कर चलना पड़ेगा और मल्टीविटामिन जरूर लें साथ में धनु राशि की बात करते हैं सारे सती आपके आपकी राशि पर भी शुरू हो चुकी है मगर मित्रों आपकी राशि में शनि विराजमान है और अगर आपकी कुंडली में मकर और कुंभ राशि का शनि है तो बहुत ही अच्छा है अदरवाइज आपका ध्यान लगेगा भक्ति में ध्यान लगेगा कर्म में ध्यान लगेगा और बच्चों का शिक्षा में ध्यान लगेगा साढ़े सती के बावजूद भी आपको ये फल जो है अच्छे देगा मकर राशि की बात करते हैं मकर राशि तो शनि की अपनी राशि है चारों तरफ से धन लाभ के योग देखिए साढ़े सती शुरू हो चुकी है आपके ऊपर चारों तरफ से साढ़े धन लाभ के योग बन सकते हैं आपके दूसरा बोन्स का ध्यान रखें लंबर सर्वाइकल्स स्पॉन्डेलाइटिस के मरीज जो हैं उनको हनुमान जी को तेल चढ़ाना चाहिए शनि को तेल चढ़ाना चाहिए ओम भगवते हनुमंताय नमः इस पाठ का जाप करना चाहिए कुंभ राशि की बात करते हैं कुंभ भी शनि की अपनी राशि है मित्रों कुंभ राशि वाले जो हैं घड़ा भर के धन कमाएंगे सोने के व्यापारी चांदी के व्यापारी ज्वेलर्स उनके लिए बहुत ही सुंदर समय है स्त्रियाँ नया कार्य शुरू करेंगी मगर ऑन द होल आपका बहुत ही अच्छा समय शुरू हुआ है इसका लाभ उठाएँ रिस्क लेकर काम करें लास्ट बट नॉट लीस्ट मीन राशि मीन राशि गुरु की अपनी राशि है गुरु की राशि धनु में शनि प्रवेश किए हैं इसलिए मित्रों आपको सोच समझ कर चलना है अपना धन किसी को ना दें संभाल कर बैंक में पाँच से छः परसेंट पे रखें तो भी चलेगा शेयर मार्केट में कम से कम निवेश करें करना है तो लंबी अवधि के लिए करें और कोशिश करें हीमोग्लोबिन अपनी सेहत इसका ध्यान रखें ऑन द होल ये बारह राशियां थी इस मगर शनि का धनु राशि में प्रवेश जो है वो अधर्म को बढ़ावा देगा अच्छा। धर्म को नहीं अधर्म को बढ़ावा देगा हुँ। लोगों की नैतिकता को कम करेगा लोग शायद सभी चुनाव इसलिए रहे हैं धोखेबाजी ज्यादा होगी याद रखिए इस बात को धोखेबाजी ज़्यादा होगी क्योंकि गुरु संस्कार सिखाता है और शनि वहाँ पर बैठ कर कहीं ना कहीं उस संस्कारों में गड़बड़ पैदा करता है मगर ध्यान रखो जो भी लोग ये काम कर रहे हैं शनि दंडाधिकारी है दंड भी देने वाला है तो आइए आगे, आगे बढ़ते हैं बिल्कुल पंडित जी आगे तो बढ़ना ही है क्योंकि हम तो वैसे चाहत, चाहते थे कि ये जो शनि का धनु राशि में प्रवेश है उसके बारे में विस्तार से आ, पूरे एक शो के लिए बात करें लेकिन क्योंकि आप उस समय नहीं थे यहाँ मुंबई में जी, तो नहीं हो सका ये आ, लेकिन ठीक है आज संक्षेप में सही हमने इनके बारे में बात की आ, एक छोटा सा ब्रेक घया वे जी है ब्रेक नर अपन पुनः अपने नेहमी या राजकीय विषयाकड़े रहा आहत रहा जय महाराष्ट्र राजमंत्रद तुम च स्वागत पंडित राजकुमार शर्मा अपने बरबर है आता राजकीय विषयाकड़े अपन बढ़ना आहोत्त पंडित जी सबसे पहले आप भी जानते हैं और हम सामे हमारे जो प्रेक्षक हैं यही जानना चाहेंगे दर्शक आपसे दो जगह पे दो राज्यों में आज <laughs> जो है वोटिंग हुआ है जी पंजाब में अगर आप देखोगे सत्तर फीसदी हुआ है और अगर गोवा में देखोगे एटी वोटिंग हुआ पड़ा है बिल्कुल और आज तक आपकी कभी कोई भविष्यवाणी गलत नहीं हुई है तो अब बताइए गोवा किसके पक्ष में जाने वाला है और पंजाब किसके पक्ष में जाने वाला है देखिए मैंने अब भी कहा आपको कि राजनीति का स्तर गिरेगा अपने अपनों को खाएंगे आप आ एक पार्टी के चार लोग एक आपस में झगड़े करेंगे और राजनीति का स्तर जब गिरता है तो चुनाव के ऊपर उसका नकारात्मक असर पड़ता है त्रिशंकु विधानसभा बनती है कहीं भी किसी को भी स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है मैं पंजाब से शुरू करूंगा पंजाब में आज वोटिंग अच्छी हुई जो बहुत अच्छी वोटिंग जो है वो अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छी नहीं मानी जाएगी इसलिए भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल का गठबंधन सुखबीर बादल की कुंडली का जब अध्ययन करते हैं और वहाँ के चीफ मिनिस्टर 87 ईयर ओल्ड प्रकाश सिंह बादल की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं तो एक बात तय है कि प्रकाश सिंह बादल और सुखबीर बादल और साथ में वहाँ पे जो विजय सांपला बीजेपी के अध्यक्ष हैं उनकी कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं तो इस बार बीजेपी और अकाली दल गठबंधन को मुंह की खानी पड़ेगी नहीं। कहीं ना कहीं उनको हार का सामना करना पड़ेगा अब दो पार्टियां रह गई वहां पे जो बहुत ही एक दूसरे के साथ नेक टू नेक में फाइट में है नंबर वन कांग्रेस नंबर टू आम आदमी पार्टी आम आदमी पार्टी का वर्चस्व वहां पे बहुत बढ़ गया एक आज तक उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा मगर आज के दिन ओपिनियन पोल जो है आम आदमी पार्टी को जिता रहे हैं बिल्कुल मगर कुछ दिन पहले बाबा राम रहीम ने अकाली दल के साथ गठबंधन करके यहाँ पे 32 सीटें मालवा में थी वहाँ पर अकाली दल ने आम आदमी पार्टियों पार्टी के ऊपर प्रहार किया और यहाँ तक कुंडली का अध्ययन करें तो कैप्टन अमरिंदर सिंह की कुंडली जब मैं देखता हूँ धनुराशि और गुरु में चंद्र की महादशा 2 दस 2017 तक चल रही है जिसके कारण उनकी कुंडली में गुरु में चंद्र गजकेसरी योग का निर्माण होता है इस गजकेसरी योग का निर्माण उस वक्त नीतीश कुमार की कुंडली में हुआ था अगर आपने याद किया हो तो इसलिए महाराजा अमरिंदर सिंह यहाँ पर चीफ मिनिस्टर बनते हुए कांग्रेस को सत्ता में आते हुए मैं देखता हूँ और हाँ और अगर कुछ थोड़ी बहुत कसर रहती है तो हो सकता है जैसे पहले भी हम शायद इस विषय पर बात कर चुके हैं थोड़ी बहुत कसर जो रहती है तो वो कसर जो है उनको बाहर से समर्थन या अपक्ष या कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट टूट कर उनके साथ आ सकते हैं तो मोटा मोटी आम आदमी पार्टी में और कांग्रेस में बहुत बड़ी कशम कश है इवेंचुअली मैं महारा, मगर मैं महाराजा अमरिंदर सिंह जो है उनकी कुंडली का जब हम अध्ययन करता हूं और ऊपर से वहां पर एडवोकेट फुल्का की कुंडली का अध्ययन करते हैं केजरीवाल की कुंडली का अध्ययन करते हैं तो कैप्टन अमरिंदर सिंह जो है वो कांग्रेस के रथ पर सवार होकर बापी सत्ता में कांग्रेस को वहां लाते हुए दिखाई देते हैं दस पंडित जी अगर आप इस रिजल्ट को देखे जैसा आप कह रहे हो क्योंकि ये लिटमस टेस्ट मानी जा रही है राहुल गांधी जी के नेतृत्व के लिए भी कांग्रेस की हुँ. तो वो सफल होते हुए दिखते हैं आपको याद है मैं कहते आया हूँ कि हाँ। राहुल गांधी आगे आने वाले दिनों में मोदी के समक्ष बासठ इंच की छाती लेकर खड़े हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी का वर्चस्व बढ़ता हुआ दिखाई देता है और महाराजा अमरिंदर सिंह जो है वो विजयी होते हुए दिखाई देते हैं जी ये बात तो पंजाब की हुई अब जैसा हमने कहा कि राहुल गांधी जी के लिए लिटमस टेस्ट है अगर हम हम देखें गोवा में तो गोवा है वो भाजपा के लिए लिटमस टेस्ट है गोवा में वोटिंग भी एटी हुई है हाँ गोवा में देखिए बहुत बड़ी बात ये है कि गोवा में जब हम वहाँ के दो प्रभारियों की बात करते हैं एक है दिग्विजय सिंह और एक है नितिन गडकरी ये दोनों प्रभारी या उनकी जब हम कुंडलियों का अध्ययन करते हैं और महाराष्ट्र भारतीय सॉरी गोवा के भारतीय जनता पार्टी के चीफ मिनिस्टर की बात करते हैं और मनोहर पर्रिकर हाँ। जो हमारे इस वक्त

ओपिनियन पोल कहते हैं इकतीस मिल, परसेंट मिलेंगी नहीं। और जिनको गोवा विकास मंच का लड़का विकास और नरेश सावल डिच्चोलिम वाला उनकी कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं और साथ में सुभाष वेलिनकर की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं तो सुभाष वेलिनकर को शायद इतनी सीटें ना मिले जितनी वो अपेक्षा कर रहे हैं मगर गोमांतक पार्टी जिस तरफ होगी सत्ता उसकी होगी और गोमांतक पार्टी कांग्रेस के साथ जाती हुई दिखाई देती है उनकी कुंडली का जब सुदीन दाविलकर की कुंडली का अध्ययन करते हैं तो पिछले साल डेढ़ साल से उनका रुझान कांग्रेस की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है क्योंकि उनके दो मंत्रियों को भी वहां से निकाल दिया गया था सुदीन दाविलकर की कुंडली में शनि की उच्च की महादशा लगी हुई है इसलिए कहीं ना कहीं वो एक बहुत बड़ी पदवी के दावेदार होंगे और उनके जो सिपाशाल हैं जो उन्होंने 10-12 सीटों के ऊपर लोग खड़े किए हैं उनमें उनको 70 से 80 प्रतिशत जो है वो वोट जो, जो, जो सीट्स जो है मिलती हुई दिखाई देती हैं इसलिए हो मुझे तो दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस जो है वहां पर कांग्रेस फिर अपनी सत्ता काम में कामयाब होती हुई किसी अन्य त्रिशंकु विधानसभा देख रहा हूं मैं वहाँ कांग्रेस किसी अन्य दल के साथ मिलकर अपनी सरकार बनाने में कामयाब हो सकती है भारतीय जनता पार्टी भी कम नहीं होगी नेक टू नेक में होगी मगर महाराष्ट्र गौमान्तक पार्टी जिस तरफ पैर रखेगी वहाँ पर सरकार बन जाएगी और उनका रुझान उनकी रुचि जो है वो कांग्रेस के बीच की तरफ ज़्यादा दिखाई दे रही है बनस्बत भारतीय जनता पार्टी की तरफ बिल्कुल पंडित जी इसके बाद क्योंकि मुंबई महानगर पालिका का, का इलेक्शन जो है वो फरवरी के अंत में होने वाला है लेकिन जो कुछ माहौल मुंबई में आजकल हम देख रहे हैं बना हुआ है वो कुछ ठीक नहीं है क्योंकि अगर बीजेपी कोई भी पार्टी हो बीजेपी लो शिवसेना लो कांग्रेस लो राष्ट्रवादी लो जितने उम्मीदवार उन्होंने दिए हुए हैं उससे भी ज़्यादा जिसे हम मराठी में बंडखोर कहते हैं वो बिल्कुल। है और वो अपक्ष की तरह इलेक्शन लड़ने वाले हैं दस से ज़्यादा उम्मीदवार हैं दो सीटों के लिए <laughs> तो ये कुछ सीन चल रहा है मुंबई में तो क्या इस समय आप लगा सकते हो अंदाजा क्या होने देखिए जो जिस तरह की गन्ना आप कर रही है हाँ। या मैं मराठी चैनलों में देखता हूँ तो वहां पर तो ऐसा लग रहा है कि बंडखोर जो है वो ही सत्ता में आते हुए दिखाई देते हैं मगर मित्रों एक बात ध्यान से सुन लो पार्टी का झंडा पार्टी का ही होता है उसमें एक सुरक्षा होती है चाहे वो भगवा हो चाहे वो तिरंगा हो चाहे वो एनसीपी की घड़ी हो जिसके पीछे या फिर भारतीय जनता पार्टी का फूल हो जब हम उद्धव ठाकरे देवेंद्र फडणवीस की कुंडली का अध्ययन करते हैं तो उद्धव ठाकरे की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं तो ए, आपको याद होगा कि बहुत बार हमने उद्धव ठाकरे की कुंडली का अध्ययन किया सत्ताईस सात उन्नीस और देवेंद्र फडणवीस की कुंडली का भी क्योंकि उनकी कुंडली में बुद्ध में गुरु चल रहा है अभी गुरु के बाद शनि शुरू हो गया है तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी छः चार 1980, सत, आ, उन्नीस सौ अस्सी उद्धव ठाकरे शिवसेना उन्नीस छः उन्नीस सौ नाइन्टीन सिक्सटी सिक्सटी सिक्स और इन एन की बात करें तो ट्वेंटी सेवन फाइव नाइनटीन नाइन्टी नाइन कांग्रेस वन वन नाइनटीन सेवेंटी एट कांग्रेस आई तो ये सब कुंडलियों का जब हम अध्ययन करते हैं तो उद्धव ठाकरे की कुंडली में इस वक्त अगर हम बात करें तो माहौल पॉजिटिव बना हो राहु की महादशा खत्म हो चुकी है गुरु की महादशा शुरू हो चुकी है ये समझ लीजिए कि उद्धव जी की कुंडली में ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय जनता पार्टी दो नंबर पे रहेगी जिस तरह इस वक्त बीएमसी में सत्ता कायम है इसी तरह आगे रहेगी अच्छा उद्धव ठाकरे लेकिन, लेकिन फिर उन्हें किसी का सपोर्ट लेने की जरूरत पड़ सकती है कांग्रेस को नहीं शिवसेना को। और माफ कीजिए शिवसेना हाँ, शिवसेना माफ को सपोर्ट लेने की डेफिनेटली आपको याद होगा डोंबीवली के इलेक्शन में लोग बोल रहे थे कि बीजेपी का झंडा लहराएगा शिवसेना का झंडा लहराया छह सीटों के लिए उनको भारतीय जनता पार्टी को लेना पड़ा अपने साथ में वेर एज राज ठाकरे वहां पे डेफिनेटली उनको सपोर्ट कर सकते थे मगर वहां पे भारतीय जनता पार्टी को लेना पड़ा क्योंकि कहीं ना कहीं केंद्र में और महाराष्ट्र में आपस में इकट्ठे सरकार बना चुके हैं तो एनी anyway, वो एक रणनीति थी उद्धव जी की और उद्धव जी एक चाणक्य नीति और राजनीति के बहुत प्रखर खिलाड़ी माने जाते हैं जा। वो चुपचाप अपने आप में विश्लेषण करके जो रिजल्ट देते हैं वो रिजल्ट मैंने आज तक भारतीय जन जनता पार्टी कांग्रेस शिवसेना बाला साहब तो फड़क से बोल देते थे जो बोलना था मगर उद्धव जी जिस तरह सौम्यता से डिसीजन लेते हैं उसके लिए मैं उद्धव जी की पीठ थप थपाऊँगा और ये कहूंगा कि आई हैट्स ऑफ टू हिम उन्होंने जिस तरह से शिवसेना में आपको हर तरह से पर, आ, मजबूत किया है इट इज़ वेरी वेरी मच एप्रिशिएबल और कहीं ना कहीं आ, नासिक हो या बॉम्बे मुझे तो नासिक में भी शिवसेना आती दिखाई दे रही है okay. और यहाँ पे तो जैसे मैं प्रेडिक करता हूँ आज की भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर की पार्टी रहेगी शिवसेना पहले नंबर की पार्टी रहेगी और पूर्ण बहुमत के लिए उनको हो सकता है वापस एक जगह बैठकर अगर इकट्ठे लड़ते तो बात ही अलग थी मगर उद्धव जी की अपनी समझ है क्योंकि इकट्ठे लड़ते तो हो सकता है भारतीय जनता पार्टी का मेयर होता बिल्कुल तो उनकी एक अपनी समझ जो काम कर गई वो डेफिनेटली प्रशंसा के काबिल है आज यहाँ पर ये यह बात कहने में मुझे कोई संकोच नहीं कि उद्धव जी की कुंडली का अध्ययन करते हुए आशीष शेलार की कुंडली का अध्ययन करते हुए देवेंद्र फडनवीस की कुंडली का अध्ययन करते हुए स्पष्ट दिखाई देता है कि उद्धव ठाकरे शिवसेना को वापस एक बार भगवान फड़कवाने में काम ये जो विस्तार से हम जा, जानेंगे जब वोटिंग होगी इलेक्शंस के इन इलेक्शंस के लिए 21 तारीख को 21 फरवरी को जब वोट डाले जाएंगे उसके बाद हम उस विस्तार से इसके बारे में बात करेंगे अब समय है कि हमें रुकना पड़ेगा यहाँ पे आप हमें हमें शेयर मार्केट के बारे में आज आप देखिए शेयर मार्केट की एक सिंपल बात बता आंकड़े नहीं दीजिएगा सिर्फ ये बताइएगा कि कैसे रहेगा आने वाले हाँ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज तीस हजार के ऊपर तीस हजार टच करती हुई दिखाई देती क्या है आठ हजार नौ सौ निफ्टी टच करते हुए दिखाई देती है गोल्ड तीस हजार टच करते हुए दिखाई देता है और सिल्वर चार महीने में फोर्टी फाइव थाउजेंड बस इससे, हो। और, इससे और क्या चाहिए <laughs> बहुत बहुत शुक्रिया पंडितजी आज आपने शो में हिस्सा लिया हमें मार्गदर्शन किया इसलिए आज आपण इथेच थांबतोय आपली वेळ संपली आहे नेहमीप्रमाणे फक्त ज्यांनी आपल्याला चिठ्ठी लिहून वारवून नेहमीप्रमाणे कळवलं त्यांची नावं फक्त मी सांगते विशाल हगे सुनील पाटील धनंजय विस्पुते नेहा झा विजय राणे अक्षय चव्हाण डॉक्टर विनायक कुलकर्णी नवल पुरोहित या सगळ्यांनी आपल्याला पत्र लिहून कळवलं आहे पंडितजींचे आभार मानले आहेत भविष्यवाणीसाठी आज इथेच थांबतोय तुम्ही पाहत राहा जय महाराष्ट्र Oh mm -hmm.